देख रहे हैं जगत न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बिहार में लगातार पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज कराई जा रही है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के DGP RS भट्टी लगातार पत्रकारों के ऊपर हमला और झूठी FIR को रोका जाए और मामले को संज्ञान में लिया जाए। आखिर कब तक होता रहेगा बिहार में पत्रकारों के साथ अत्याचार? आखिर बिहार में कब तक झूठी FIR में फंसाया जाएगा पत्रकारों को? आखिर सच्चाई को क्यों दबाया जा रहा है? बिहार में खबर विस्तार से मामला है बिहार के बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र का, जहां बांका जिले के आबकारी के द्वारा फक्तुचक गांव के पास बांका आबकारी के द्वारा चेक पोस्ट लगाया गया है और शराब ले जाने वाले और पीने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है, जहां पर CCTV कैमरा भी मौजूद है। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। मामला यहाँ के है कि 13 तारीख को एक घटना घटी थी जिसमें बांका आबकारी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगा था। आरोप यह था कि बांका आबकारी के अधिकारी के द्वारा बिहारी ताती का मार के पैर तोड़ दिया गया है, जिसमें धौरैया थाना क्षेत्र के फक्तुचक गांव के ग्रामीण और पीड़ित ने यह आरोप लगाया था कि मुझे आबकारी वालों ने मारा है और मुझे मार के मेरा पैर भी तोड़ दिया है। और बांका आबकारी का आरोप था कि ग्रामीणों ने मेरे साथ मारपीट की है, चलिए इस मामले को यहीं छोड़ देते हैं। पहले क्या हुआ इस मामले पर लेकर चलते हैं। मामला यह है, बांका आबकारी के द्वारा पहले भी इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना यह थी कि दीपक कुमार, जो कि जगत न्यूज 24 के बांका जिले के ब्यूरो चीफ हैं, रंजन कुमार जगत न्यूज 24 के स्वतंत्र पत्रकार हैं, यह दोनों पत्रकार को आबकारी बांका के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसमें मार के रंजन कुमार पत्रकार का हाथ तोड़ दिया गया था और दीपक कुमार पत्रकार का बेरहमी से मार के पीठ की चमड़ी फाड़ दी गई थी, जिसकी सूचना फोन पर बांका आबकारी के सुपरिटेंडेंट अरुण मिश्रा को दी गई थी, जिसमें बात करने के बाद बांका आबकारी के सुपरिटेंडेंट अरुण मिश्रा ने सारा एविडेंस मांगा था, जिनमें इनको सारा एविडेंस व्हाट्सएप के मोबाइल पर भेज दिया गया था, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं की गई। जब इनको दोबारा कॉल किया गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम पूछते हैं, इसके बाद बताते हैं, चलिए इस मामले से हटकर आपको कुछ अलग बताते हैं। आप तो फत्तुचक के घटना के बारे में जानते ही होंगे। इस घटना में 10 लोगों के ऊपर FIR दर्ज की गई है और 10 लोगों को अज्ञात रखा गया है। इसी FIR में 3 पत्रकार का भी नाम दर्ज किया गया है। इन तीनों पत्रकार पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं और बांका आबकारी के द्वारा पत्रकार रुपेश कुमार राज जगत न्यूज 24, बिहार झारखंड चीफ एडिटर पत्रकार रंजन कुमार जगत न्यूज 24, स्वतंत्र पत्रकार दीपक कुमार बांका, जिला ब्यूरो चीफ, इन तीनों पत्रकारों को भीड़ को उकसाने एवं भड़काने का हिस्सा बताया गया है। क्या पत्रकार भीड़ का हिस्सा बन सकता है? क्या पत्रकार भीड़ में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता है? अगर आप कहीं भीड़ में रिपोर्टिंग करते हैं तो बांका आबकारी के द्वारा आपके ऊपर FIR दर्ज करवा दी जाएगी और आपको भी भीड़ का हिस्सा बना दिया जाएगा। यह है मनमानी, नहीं जांच ना ही सूचना, सीधा FIR, जिसमें आप वीडियो में FIR डाला जाएगा। आप देख लीजिएगा कि सही है या गलत, जिसमें बिहारी तौती के पुत्र प्रवेश तौती ग्राम पोस्ट थाना गौरहड्डी जिला भागलपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा FIR दर्ज कराई गई है। FIR में बांका आबकारी अधिकारी पर मार के पैर तोड़ने का आरोप लगाया गया है। आपको हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे देते हैं कि गिरीश कुमार, जो कि समाज सेवी हैं, जिस 13 तारीख को घटना हुई थी उस समय समाज सेवी गिरीश कुमार भी मौजूद थे, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम किया गया था। सड़क जाम हटवाने में एवं पीड़ित बिहारी तौती को धौरैया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाने में समाज सेवी गिरीश कुमार का भी योगदान था। गिरीश कुमार समाज सेवी क्या बोल रहे हैं, जरा आप भी यह भी सुन लीजिए। जब तीनों पत्रकार के सवाल पूछने पर क्या बोले समाज सेवी गिरीश कुमार ने बोला कि जो संजय पांडे ने धौरैया की आम जनता को परेशान करके रखा है, यह संजय पांडे बांका आबकारी विभाग जो धराया में कोहराम करके रखा है, संजय पांडे को तत्कालीन के पदभार से दूसरी जगह इनको भेजा जाए। यह हम नहीं बोल रहे हैं, यह प्रतिनिधि गिरीश कुमार बोल रहे हैं। गिरीश कुमार ने पत्रकार के बारे में क्या बोला, जरा आप भी सुन लीजिए। पत्रकार इस घटना में बहुत ही योगदान है। आप सभी पत्रकार साथी ने सड़क जाम को हटवाया और ग्रामीणों को भी समझाया और सच्चाई को दिखाया, इसलिए मैं गिरीश कुमार प्रतिनिधि आप सभी पत्रकार का बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो में जहां पर प्रतिनिधि बयान दे रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि धौरैया प्रशासन भी मौजूद है और कई प्रशासन भी मौजूद है,
और कई अधिकारी मौजूद है और प्रखंड विकास पदाधिकारी धोरैया भी मौजूद है। इसी बीच सभी अधिकारी के सामने एक प्रतिनिधि यह बयान दे रहे हैं कि आप सभी पत्रकारों को, पब्लिक को समझाने एवं सड़क जाम हटवाने का बहुत बहुत आभार। यही दूसरी ओर बांका आबकारी विभाग के द्वारा 3 पत्रकार के ऊपर FIR दर्ज की जाती है कि आपने पब्लिक को उकसाया और भड़काया और आबकारी पुलिस पर जानलेवा हमला करवाने की साजिश की। तो वहीं दूसरी ओर सभी प्रशासन के बीच में प्रतिनिधि पत्रकार को यह बोल रहे हैं कि आपने बहुत ही सहयोग किया है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूं। यह कैसा कलयुग है भैया, जहां पर पत्रकार को मसीहा समझा जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर आबकारी पुलिस के द्वारा FIR की जा रही है। सारा सबूत आपके सामने है, जिसमें CCTV फुटेज भी मौजूद है, प्रतिनिधि का बयान भी मौजूद है। प्रतिनिधि जो बयान दे रहे हैं, इनके अगल बगल अधिकारी भी मौजूद है, ग्रामीण का भी बयान मौजूद है और पुलिस किस मामले की जांच होनी चाहिए। आदमी सोचते होंगे कि जगत न्यूज 24 डर जाएगा और सच्चाई दिखाना बंद कर देगा, तो यह संभव नहीं है। जगत न्यूज 24 सच्चाई दिखाया है और दिखाते रहेंगे। कई मामले हैं जो अब होगा उजागर। देखते रहिए आप जगत न्यूज 24। मैन आप लोग फोकस कीजिए, कहाँ जानते हैं जो संजय पांडे धोरैया के आम जनता को आवाम को परेशान कर रहा है, उसके खिलाफ आप लोग बोलिए। नेताजी हमें बोलते हैं यहाँ धोरैया पुलिस तो आप लोग का सहयोग भी जाम हटाने में सहयोग नहीं चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट कर रहा था। मैन है जो संजय पांडे आबकारी विभाग वहाँ जाके अड्डा बनाया है, उसको बोलिए फूल पे रहेगा। वो सब बात बताइए आप लोग प्रशासन, आप बताइए नेताजी इतना सब होने के बाद धमकी पत्रकार को दिया जा रहा है, ये कहाँ तक मैं चाहिए बोलिए। पत्रकार को बोला गया धमकी, गर्मी दिखा रहा है, गर्मी क्या सब होता है बताइए आप। उसका रिकॉर्ड है मेरे पास, ऑडियो रिकॉर्ड में आ गया है। आप हमारा एक के अनुरोध है आप लोग पत्रकार महोदय से, हम लोग एक जनप्रतिनिधि के नाते कि ये संजय पांडे यहाँ कोहराम मचा दिया है धोरैया में आबकारी विभाग में, इसको यहाँ से तत्काल प्रभाव से इसको इसका जगह बदल दिया जाए। उल्टा बोला जाता है धोरैया पुलिस में सपोर्ट किया कि नहीं, जब बोल रहा है कि पत्रकार गर्मी दिखा रहा है। आप लोग भी सहयोग किए हैं, हम भी वहाँ है रोड जाम हटाने में, आप लोग बहुत मदद किए हैं हम लोग का, आप लोग का बहुत। धोरैया पुलिस के द्वारा इस तरह जो बात किया जा रहा है, उनका कहना है कि और भी पत्रकार, और भी पत्रकार ने बताया है कि ऑडियो में दरोगा से रिलेशन है, मेरा काम करवा देंगे, 25,000 का डिमांड करता है। हम लोग का कभी बताइए कि उस तरह का कोई निकला है प्रतिनिधि के नाते। आप लोग हम लोग प्रकट करते हैं कि आप लोग समय पे पहुंचे और लोगों को शांत किया और अपना जो सच्चाई है वो दिखाया। हम लोग सच्चाई दिखा लिए, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत आभार। आखिर इतना जनता और पुलिस प्रशासन पत्रकार के बीच में धमकी दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या क्या कहना है? आपके सामने में पुलिस आपके सामने बोला सर कि गर्मी दिखा रहा है सर, आपके आप लोग में क्या हुआ था कहीं पता नहीं, गर्मी दिखाते हैं। नहीं नहीं ऐसा कोई नहीं, ऐसा अभी हम लोगों का मेन उद्देश्य होना चाहिए। अभी सर बोला गया सर, इसीलिए पूछे सर, अभी सर बोला गया सर, सुभाष बाबू बोले गए सर। सच्चाई सर दिखाना गलत है सर, बोलिए हम लोग गलत करने के लिए बार बार तैयार है सर, सच्चाई अगर दिखाना गुनाह है सर। हम लोग कौन सा गलत है? अरे यार नहीं यार छोड़ो नहीं, हम नहीं ना बोल रहे कुछ, को पास करता है पर तो मेरे भी पैसा दिया है बगल में आके 7,000 और दर वाले को पास किया है, पैसा को टंग तोड़ दिया हूँ तो। वही वही जो देख लिया इसी के मारा ना, देखा है दारू पर 7,000 रुपए पैसा दिया है तो मेरे पास क्या दर वाले को पार करता है ना तो पैसा। आपका घर बराडे कैसे घटना भाई? पुलिस का बाबू मारी बोर्ड पड़ी तेरे को। कब? अभी अभी। हाँ किस बात को लेकर? हमें बाबू दूसरा देख लिए ऐसा गाड़ी बला हेलमेट नहीं ला हमारा ला दूसरा चेक करे ला बाबू उतरी के लिए हमें बस ये नो लटी बाबू मर को टेन पड़ी को हो घर खबर किए छोड़ दिया जाए।
एक बार और निकाल दीजिए। ये तो हमने बोला कि पार्टी में आए जाएगा।